हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों, हमेशा बोलना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बोलना ज़रूरी हो जाता है, और ख़ासकर तब जब शिक्षक समुदाय से कोई ऐसी घटनाएं घटित हो रही हो जो किसी एक शिक्षक को हो या पूरे शिक्षक समुदाय को अंदर ही अंदर परेशान करती हो। अब यहाँ पे जैसे खान सर, अब सभी लोग अब जानते होंगे, जो चुपचाप पढ़ाने वाला टीचर है, जब उसकी ख्याति बढ़ती है तो कुछ मीडिया ऐसा नहीं है, मीडिया वाले भी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में तरह तरह के काम होते रहते हैं, और कुछ अच्छे काम भी होते हैं, कुछ खराब काम भी होते हैं। जो अच्छे कार्य हैं उन्हें भी दिखाइए आप, और जो खराब कार्य हो रहे हैं उन्हें भी दिखाइए। लेकिन मीडिया भी इस तरह की हो गई, जैसा कि आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा कि जब खान सर को, जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे एक महोदय साहब, तो उन्होंने खुद कहा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके बारे में बताइए, कोरोना के वैक्सीनेशन के बारे में बताइए, कोरोना कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है उसके बारे में बताइए, जो रियलिटी उसके बारे में बताइए। लेकिन नहीं, उनके अंदर इतनी उत्सुकता, जब आदमी कह रहा है कि हम नाम में क्या रखा है, जो पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उसको देखिए ना आप, कि ये आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये आप सही बता रहे हैं, उसके बारे में आप इंटेंशन रखिए। लेकिन नहीं, बता रहे हैं कि सारी जनता जाननी चाहती। कौन जनता जाननी चाहती, जबकि इनके स्टूडेंट से ही पूछा गया कि नाम से क्या मतलब है, नाम तो नहीं। वो खुद अब जो है, वो इंटरव्यूअर जो है, जैसा आप, वो भी शायद मुस्लिम ही था, अब मुस्लिम है या हिंदू है वो मैटर नहीं करता, कि हिंदू है या मुस्लिम है वो मैटर नहीं करता है, वो बार बार बता रहे हैं कि अच्छा नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। वो ऐसे हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे महोदय, अब इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अब कुछ जो संगठन हैं, मुस्लिम संगठन ही हैं, अब वो तो वाद विवाद तो होती रहती है, लेकिन कुछ हाजी हैं, कुछ काजी महोदय पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने कुरान या कुछ भी पता नहीं क्या है उसको लेकर के, टेररिज्म से रिलेटेड करके ऐसा वाद विवाद फैलाया, तो ये उनके पास ये वाद विवाद कहाँ से जाता है। कोई भी अगर वाद हो, कोई भी बहस हो, कोई भी मैटर, कोई भी कुछ भी अगर इश्यूज होते हैं तो कहाँ से पैदा होते हैं, वो इसी मीडिया वालों की तरह जो है, जो मीडिया वाले होंगे वहीं तो करेंगे। ऐसे तो कोई भी चीज़ किसी के पास कम्युनिकेट तो हो नहीं जाएगी। और उल्टे सीधे कुछ यूट्यूबर हैं, और उसमें भी अलग अलग रिलीजन के होंगे यूट्यूबर, वो भी इस तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ के कुछ पॉइंट पकड़ लिया हो। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जब एक बार मैंने देखा हुआ था कि इन्होंने, अब यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, ज़रा इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये इसको जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये पीछे वाली जो फ़ोटो है, इसमें ये खान सर हाथ में पूरा एकदम राखी वाखी बांधे हैं। अब एक्चुअली में क्या है, ये इत्तेफाक से खान है, खान का मतलब है मुस्लिम समुदाय से हैं। अब ये न सरस्वती की पूजा करें, इनके संगठन वालों का कहने का मतलब है, अच्छा कट्टर जो होते, जो कुछ हैं, कुछ जो थोड़ा सा मानवता का परिचय देते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कट्टरता की भी एक बहुत बड़ा झुंड होता है ना। तो कट्टरों का कहने मतलब ये है कि ये ना तो राखी बंधवाएं, राखी भी ना बंधवाएं, सरस्वती माता की पूजा भी ना करें। अच्छा, एक बार इन्होंने जो है बड़ी श्रद्धा के साथ बोल दिया था कि अगर विद्या कहीं पर भी कोई संस्थान है, विद्या से रिलेटेड है, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे तो सरस्वती की पूजा, और बड़े शानदार तरीके से उन्होंने कहा था कि माता सरस्वती की पूजा होनी चाहिए। अच्छा, और इन्हें महामृत्युंजय भी अच्छे से आता है शंकर जी का, तो उससे भी बहुत सारे लोग खफा हैं, इन्हीं के संगठन के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग।
तो ये सब चीज़ें हैं, उनका विरोध करना चाहिए जो ये संगठन बने हुए हैं फर्जी के। और इन तुच्छ मीडिया जो चैनल वाले हैं कर्मी, और जो ये फालतू के जो बने हुए हैं यूट्यूबर, जो काम धाम कुछ नहीं, मैं पर्सनली मैं तो कुछ करता ही नहीं, केवल मैं तो वीडियो वहीं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हमेशा वहीं डाला करता हूँ फालतू की, यहाँ तक कि कोई ना तो इधर उधर की कोई बात नहीं करता हूँ। तो ये सब है, तो इस तरीके के लोग आते जाते रहेंगे, सपोर्ट अच्छे लोगों का हमेशा होता रहेगा, फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और मैं भी हमेशा देखो लगा ही रहता हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखते रहिए ऐसे ही, और जो भी फालतू के लोग हों उनका जो विरोध जरूर जरूर कीजिएगा, चाहे जिस समुदाय के लोग हों, हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब है। अगर कोई अच्छा कोई बंदा काम कर रहा है, चाहे टीचर हो, भी किसी भी सोसाइटी का कोई भी काम कर रहा हो, उसका सपोर्ट जरूर करना चाहिए। बोलते हैं ना कि जहाँ गलत हो रहा हो गलत देखना और सहन करना जो है वो भी गलत ही है, इसलिए गलत का विरोध कीजिए और जो अच्छा आदमी है उसका सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बस इतना ही कहना था कि फालतू के लोग हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, और पल भर के लिए बस थोड़ा सा हो हल्ला मचाएंगे, शोरगुल मचाएंगे, फिर कुछ देर बाद खुद ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।